हेलो गाइस, कंप्यूटर के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्यापम के सभी एग्जामों में कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज के हम कंप्यूटर के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, डॉट डॉट का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम में किए गए थे, तो इसका आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए, पहला है एसिबल लैंग्वेज, दूसरा है बी मशीन लैंग्वेज, और तीसरा है सी सोर्स कोड, और चौथा है डी ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, और ई है हमारा स्पैगेटी कोड। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा बी मशीनी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया है, तो किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया है। ऑप्शन ए है निकोलस बर्थ, ऑप्शन बी है जॉन सी कैमी, ऑप्शन सी है ग्रेस मुरी हॉफर, या ऑप्शन डी है जिम क्लार्क, और या ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम बताएंगे, इसका आंसर बी होगा, जॉन सी कैमी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न व्यापम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, पास्कल क्या है। ठीक है, पास्कल क्या है, तो पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। कंप्यूटर की क्या है, एक भाषा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है कि प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है, जो प्रोग्राम में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि कौन सी है, तो इसका आंसर बी होगा, फोर्टान। ठीक है, चलिए डॉट डॉट वे वर्ड जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने ही स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए, चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कंट्रोल वर्ड। सेकंड है कंट्रोल स्ट्रक्चर, सी रिजूट वर्ड, डी है रिजूट किस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा, रिजूट वर्ड्स होगा। ठीक है, चलिए छठवां क्वेश्चन है कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन देखेंगे चार्ट, दूसरा है हल चार्ट, सी तीसरा है फ्लो चार्ट, और डी मिक्स चार्ट। इसका आंसर होगा सी फ्लो चार्ट, जो कि प्रोग्राम के चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है, यानी कि किसी भी प्रोग्राम में फ्लो चार्ट का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। देखिए सातवां प्रश्न है कि छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर में देखिए लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप सभी को पता होगा, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि छोटे बच्चों को ग्राफिक के लिए रेखानुकृति की शिक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर लोगो भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सा है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा, फोटान। आप सभी को मैं बता चुका हूँ कि फोटान एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। चलिए अगला देखेंगे। नौवां प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा फोटान किस क्षेत्र में उपयोगी है। अब देखिए कौन सा क्षेत्र में यह उपयोग करता है कंप्यूटर का फोटान भाषा, तो चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर भाषा फोटान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए दसवां प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। ये पिछले वर्ष में आ चुका है व्यापम के क्लास में। ठीक है, देखिए कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है, कोबोल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, कोबोल का प्रयोग, कोबोल भाषा का प्रयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। चलिए ग्यारहवां प्रश्न है कि किस भाषा यानी कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है, तो वाणिज्य कार्यों में किया जाता है तो कोबोल। अभी मैं बताया आपको वैज्ञानिक क्षेत्र, विज्ञान के क्षेत्र में व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है, कोबोल आएगा इसका आंसर। बारहवां है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी कोबोल, जो कि अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। यह विज्ञान से लिया गया है, अभी मैं आपको बता चुका हूँ।
ठीक है। और कोबोल व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है, कौन से कार्य के लिए किया जाता है, व्यावसायिक कार्य के लिए। चलिए अगला देखेंगे, 30 क्वेश्चन आपको कराना है, ठीक है। डेली क्लासेस कराएंगे छात्रावास अधीक्षक के लिए। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंशन संभव है, तो कौन सी भाषा में सबसे ज़्यादा उपयुक्त डॉक्यूमेंशन संभव है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, कोबोल, ठीक है। इसका आंसर भी कोबोल होगा, जो कि सबसे सर्वाधिक कार्य किया जाता है, कोबोल आपका व्यावसायिक कार्य भी किया जाता है। इसके बाद देखेंगे फोटान, 14 प्रश्न है हमारा। फोटान, एगोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव पत्थर कहा जाता है, तो कौन सी भाषा को नींव पत्थर कहा जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सी भाषा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए कौन सी भाषा को कहा जाता है, देखिए यहाँ पर बैसिक को कहा जाता है, ठीक है, बैसिक आएगा इसका आंसर। चलिए 15 प्रश्न देख, 15वां क्वेश्चन है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जटिल वैज्ञानिक की गणनाओं के लिए कौन सी प्रयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पर बी, फोटान का प्रयोग किया जाता है, प्रोटान भाषा का प्रयोग जटिल वैज्ञानिक के गणनाओं के लिए किया जाता है। 16 क्वेश्चन है, बैसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है, देखिए बैसिक भाषा का जो प्रयोग होता है वो कौन से कार्य के लिए किया जाता है यह पूछा गया है, तो देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, वाणिज्य कार्यों के लिए होगा, वैज्ञानिक गणना के लिए होगा, बच्चों को सिखाने के लिए हेतु, या प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु, तो इसका आंसर डी होगा, जो कि प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए किया जाता है। अगला देखेंगे 17वां क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है, देखिए भाषा है जो कि कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम को समझता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अमेरिकन भाषा कहलाता है, जो कि बिना ट्रांसलेशन के प्रोग्राम को समझता है, ठीक है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर भाषा यानी कि जावा के आविष्कार कौन है, देखिए कंप्यूटर भाषा में जो जावा का आविष्कार है वो कौन सा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर सी होगा, सन माइक्रो सिस्टम, क्या होगा, सन माइक्रो सिस्टम। देखिए आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो वीडियो को डाउनलोड करके देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, अधिकतर देखिए बहुत सारे कंप्यूटर जो है जो क्या समझ सकता है, तो चलिए ऑप्शन देखेंगे, अंग्रेजी भाषा, सदिश उच्च स्तरीय निर्देश, देखिए अंग्रेजी जो भाषा होता है सदिश उच्च स्तरीय का निर्देश वो कंप्यूटर समझ सकता है, यही इसका आंसर होगा। चलिए सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, तो सारे कंप्यूटर में क्या लागू होती है, तो सारे कंप्यूटर में मशीन भाषा का लैंग्वेज लागू होती है, देखिए बहुत सारे कंप्यूटर होता है जो मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहला नंबर पर मशीनी भाषा का प्रयोग होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, अब इंटरनेट पर जो कंप्यूटर प्रयुक्त लैंग्वेज है कौन सी है, जावा लैंग्वेज होती है, ठीक है, जावा आएगा इसका आंसर। 23वां प्रश्न है कि देखिए मल्टीमीडिया वेब पेज पर, वेबसाइट और वेब पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है, तो देखिए कौन सी है, चलिए देख लेते हैं, चलिए कौन सी है देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, कोबोल, बी जावा, सी बेसिक, डी असेंबलर, चौथा है ई, सॉरी पांचवा ई, तो इनमें से कौन सा आएगा, चलिए बताइए, इसका आंसर बी होगा, ठीक है, जावा, कौन सा होगा, जावा होगा। चलिए 24 क्वेश्चन देखेंगे, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटन प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग के लिए कौन सी लाई जाती है, प्रयोग के रूप में कौन सी लाई जाती है जो कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर चलिए बताइए, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर, तीसरा सुपर कंप्यूटर, चौथा वेब सर्वर, या ये सभी, तो इसका आंसर कौन सा होगा, डी वेब सर्वर, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन देखेंगे और एमपी क्वेश्चन है, सी बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है, ये कौन सी भाषा का उदाहरण है,
ये लो लेवल का है या कंप्यूटर का है या सिस्टम प्रोग्रामिंग का है या फिर हाई लेवल का है? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, हाई लेवल का है। ठीक है, हाई लेवल का है ये। 26वां क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो ट्रांसलेटर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती? चलिए बताइए। अब पहला ऑप्शन है बेसिक, दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, तीसरा असेंबली लैंग्वेज और डी है सी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर, चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। या देखिए ई में ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनीष जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? देखिए कौन सा मशीन है जो इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो ऑप्शन बताइए। पहला ही ऑप्शन होगा इसका हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मशीन लैंग्वेज है। अभी मैं आपको जस्ट 24 क्वेश्चन में कराया हूँ कि हाई लेवल लैंग्वेज एक मशीनी लैंग्वेज जो कि सभी कंप्यूटरी भाषा का पहला नंबर में आता है। ठीक है, 28वां प्रश्न देखेंगे, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज क्या होता है या क्या है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक असेंबली लैंग्वेज होता है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन देखेंगे, जो कि नियमों के उस सेट को डॉट डॉट कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या ऑपरेशन करना है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, नेचुरल लैंग्वेज, कमांड लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इसका आंसर ई होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, 30वां क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 30 IMP क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, जो कि छात्रावास अधीक्षक व्यापम के सभी एग्जाम के लिए आवश्यक है। गलती एल्गोरिथम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लॉजिकल एरर कहते हैं, जो कि गलती एरर एल्गोरिथम है। ठीक है, जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, जो कि हम आज का 30 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। डेली आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे छात्रावास अधीक्षक के लिए। देखिए छात्रावास अधीक्षक में 50 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 25 नंबर आपको अनिवार्य है लाना। ठीक है, अगर 25 नंबर आप उससे कम लाते हैं तो आपका मार्कशीट यानी कि OMR शीट चेक नहीं होगा। ठीक है, यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।